मुक्तेश्वर एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है उत्तराखंड का। नैनीताल से पास है तो पर्यटक तो आते हैं पर उतना भी नहीं जितना उसकी खूबसूरती के हिसाब से आना चाहिए था। खैर ये आप और हमारे लिए अच्छी बात है, जितना कम भीड़ भड़ाका हो तो अच्छे से हम घूम सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुक्तेश्वर के बारे में, कैसे आप मुक्तेश्वर आ सकते हैं, मुक्तेश्वर के आसपास क्या क्या जगह आप घूम सकते हैं, कहाँ पर रह सकते हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगता है, तो प्लीज़ कर दीजिए। और हाँ, अगर एक लाइक और कमेंट भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। सो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो। मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर धाम टेम्पल की वजह से इस एरिया का नाम मुक्तेश्वर पड़ा। मुक्तेश्वर धाम शिव जी की एक बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर है। बताया जाता है कि शिव जी ने एक असुर को बद्ध करके उसको मुक्ति दिए थे, तो इसीलिए इस एरिया का नाम या इस मंदिर का नाम मुक्तेश्वर धाम पड़ा। मुक्तेश्वर पॉपुलर है मुक्तेश्वर धाम टेम्पल की वजह से, यहाँ की ब्यूटीफुल व्यू की वजह से, यहाँ के परफेक्ट वेदर की वजह से एंड फ्रूट ऑर्चर्ड्स की वजह से। सो फ्रेंड्स, मुक्तेश्वर आने के लिए आप अगर ट्रेन में आना चाहते हैं तो आप काठगोदाम तक ट्रेन में आ सकते हैं, जो कि सबसे आखिर रेलवे स्टेशन है, और फिर वहाँ से आप टैक्सी ले सकते हैं, शेयरिंग टैक्सी या फिर पर्सनली टैक्सी बुक कर सकते हैं, या फिर आप बस में भी आ सकते हैं मुक्तेश्वर तक, और आप चाहें तो स्कूटी या फिर बाइक रेंट लेके वो भी आ सकते हैं, या फिर आप आपके पर्सनल कार में अगर आ रहे हैं तो फिर आप डायरेक्ट मुक्तेश्वर तक आ सकते हैं। अगर आप बस में आना चाहते हैं और आप दिल्ली या फिर किसी और जगह से आ रहे हैं तो आप हल्द्वानी तक बस में आ सकते हैं और फिर वहाँ से आप चेंज करके दूसरी बस लेके आ सकते हैं मुक्तेश्वर तक। और आपको यहाँ पे स्टे करने के लिए काफ़ी सारे होटल्स, होम स्टे एंड कॉटेज मिल जाएंगे। कुछ अच्छे और पॉपुलर होटल्स या होम स्टे की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको ज़रूर चेक कर सकते हैं आप। सो फ्रेंड्स, आप मुक्तेश्वर में रहते हुए और भी काफ़ी सारी जगह घूम सकते हैं। पहले तो आप मुक्तेश्वर घूम सकते हैं अच्छे से, मुक्तेश्वर की टेम्पल जा सकते हैं, मुक्तेश्वर धाम टेम्पल। और मुक्तेश्वर धाम टेम्पल से सिर्फ कुछ ही मीटर दूरी पर है चोली की जाली, जो कि एक बहुत ही बढ़िया व्यू पॉइंट है, जहाँ से आप हिमालय दर्शन भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप काफ़ी सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आप जा सकते हैं भालूगढ़ वाटरफॉल, जो कि मुक्तेश्वर से सिर्फ 18 से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, जहाँ पर आपको एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल देखने के लिए मिलेगा। और एक वो कहावत है ना, बहती गंगा में हाथ धोना, खैर जोक से पार्ट, बट आप यहाँ पर बहती नदी के ऊपर बैठ के आप खाने का मज़ा ले सकते हैं। नेक्स्ट आप जा सकते हैं रामगढ़, जो कि मुक्तेश्वर से सिर्फ 25 से 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, और यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया व्यू के साथ साथ काफ़ी सारे फ्रूट्स और ऑर्चर्ड मिलेंगे। रामगढ़ को वैसे भी फ्रूट बॉल बोला जाता है। एंड नेक्स्ट आप जा सकते हैं कैंची धाम। नीम करौली बाबा जी की ये आश्रम काफ़ी प्रसिद्ध है। आई होप आप लोगों को भी पता होगा कि यहाँ पर स्टीव जॉब्स, एप्पल की फाउंडर एंड फेसबुक की फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, एंड कुछ ही दिन पहले विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा भी आए थे। तो उसके बाद से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने लगा है, तो स्पेशली सैटरडे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है। अगर आपको भीड़ भड़क का ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप सैटरडे संडे स्किप कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑप्शन है वर्किंग डेज पे ट्रैवल करने के लिए तो वो बेस्ट रहेगा, कम भीड़ भड़क का मिलेगा आपको। कैंची धाम के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। अगर आप ये वीडियो अपलोड होने के कुछ दिनों के बाद देख रहे हैं तो आपको वीडियो के एंड में देखने के लिए मिल जाएगा, या फिर आप उत्तम XYZ ब्लॉग्स चैनल में जाके वीडियो सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं। और कैंची धाम का डिस्टेंस है मुक्तेश्वर से 35 से 40 किलोमीटर। और कैंची धाम के पास भी एक छोटा सा वाटरफॉल है जो कि काफ़ी खूबसूरत है, कैंची धाम से सिर्फ 1 किलोमीटर के करीब के डिस्टेंस में है, तो वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आप जा सकते हैं नैनीताल, जो कि 45 से 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है मुक्तेश्वर से। नैनीताल काफ़ी प्रसिद्ध और काफ़ी पॉपुलर है, हालांकि बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका रहता है। वहाँ पे आप जाके बोटिंग भी कर सकते हैं और भी काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ आप नैनीताल में कर सकते हैं, और आपके पास टाइम हो तो फिर आप ट्रैकिंग वगैरह भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे पिक हैं, जैसे कि नैना पिक वगैरह आप ट्रैक कर सकते हैं, हालाँकि उसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए और आपको रूट भी पता होना चाहिए या फिर आपके साथ कोई गाइड होना चाहिए। सो आई होप फ्रेंड्स, आपको मुक्तेश्वर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी और भी कुछ क्वेरी एंड क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।